हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो चलिए, हमारे पास एक फ़ोन है, सैमसंग A20 है। इसमें की प्रॉब्लम है कि देखिए, ऑटो रीडिंग ले रहा है, 80, 89 का, 81 का ऑटो रीडिंग है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में वीवैट या वीपीएच लाइन का इशू होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें बजर मोड पर सेट करना है, ठीक है, वीप मोड में, और हमें वीपीएच लाइन को देखनी है। तो कहीं ना कहीं वीपीएच लाइन हमारे सर्किट में बहुत जगह स्थानों पर होता है, 10 से 15 स्थान पर। तो हम कहीं भी पहले वीपीएच लाइन को चेक करेंगे कि हमारा वीपीएच लाइन का क्या है रीडिंग है। तो हम जिस तरह से चेक कर पा रहे हैं कि हमारा वीपीएच लाइन शॉर्टिंग आ रहा है, दोनों तरफ से हमारे जो 0-0 हो जा रहे हैं, तो हमारा वीपीएच लाइन में है प्रॉब्लम। तो हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पे। तो उसके लिए हम अपने मदरबोर्ड को डायग्नोस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है। और इस तरह के प्रॉब्लम में जो शॉर्टिंग्स है, हमारा डीसी टू डीसी आईसी भी रहता है, तो हमें डीसी टू डीसी आईसी की क्वाइल पे चेक करनी है, शील्ड वहां से हमें रिमूव कर लेना है अच्छे से। ये हमारा डीसी टू डीसी सेक्शन है, यहाँ ये देखिए वीपीएच क्वाइल है। इस वीपीएच क्वाइल पे भी हमारा रीडिंग जो है वो 0 आ रहा है। तो हम बगल में जो हमारा सीपीयू है उसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद ही हम हीट लगाएंगे मदरबोर्ड पे। आप दो लेयर भी सिल्वर टेप डाल सकते हैं। एक लेयर में अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि हमारा आईसी मेल्ट हो जाएगा, तो आप दो लेयर लगा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट है, तो यूट्यूब में वीडियो को स्लो करने का भी ऑप्शन रहता है, आप उसकी स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। नोज मार्क के लिए आप बोर्ड पे हल्का सा निशान लगा लें, थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि थोड़ा स्लो होनी चाहिए वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि और भी स्लो बनाऊँ आपके लिए। आईसी को निकाल करके हमें साइड रख लेना है। कहीं ना कहीं इस टाइप की जो शॉर्टिंग रहती है ना, वो हमारे आईसी के अंदर होता है शॉर्ट सर्किट, और वो डायरेक्ट शॉर्टिंग नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता है हमारा फ़ोन। अब इसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे हमारा रीडिंग कि अब कैसा है। तो दोबारा चेक करने पे हमारा जो रीडिंग है अब ये रीडिंग हमारा नॉर्मल हो चुका है। देखिए 280 के करीब में आ चुका है रीडिंग, वीपीएच लाइन 280। और यहाँ देखिए आईसी में नीचे से शॉर्टिंग था, जो काई रहती है पानी वगैरह जाने की वजह से, यही हमारे आईसी को ड्रॉप करता है। और आप लोग भी हमें कमेंट में बताएंगे कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें कुछ बेहतर किया जाए तो आप मुझे गाइड इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इसको रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका टेम्परेचर लो कर लेना है, और जो पॉइंट पे शॉर्टिंग था उसे ना हाइड करना है, क्योंकि वो पॉइंट क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उसका मेल्टिंग वीक हो जाता है। इसे अच्छे से जगह लेना है। आईसी क्लीन हो गया है, अब इसे रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्विंग के लिए आप यूनिवर्सल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी आईसी है, ईजी आपका रिवॉल्व हो जाएगा। और एवरीवन, काफ़ी लोग वीडियो देख करके भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें चैनल को। कहीं ना कहीं आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो हमें भी हिम्मत आती है इस चीज़ों से कि कहीं ना कहीं आपको हमारे वीडियो से इंटरेस्ट है, तो मैं अपने भी वीडियो में फोकस रखता हूँ। कमेंट कीजिए,
कि कैसा लगा वीडियो और शेयर भी कीजिए। अगर आपके ये किसी काम का नहीं है तो हो सकता है किसी टेक्नीशियन के लिए ये फ़ायदा कर जाए। तो हमारा बॉल बन चुका है। रिबॉलिंग भी बहुत आसान सा टेक्निक है। अगर आपको किसी भी हार्डवेयर तरह में काम करने में कोई प्रॉब्लम आता है हार्डवेयर में, चाहे वो रिबॉलिंग है, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर, कुछ भी है, तो आप हमसे हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हमारा ऐसे ही कम्प्लीट है। अब यहाँ डिसोल्डर वायर से हम पैड क्लीन करेंगे टेम्परेचर लो करके। डिसोल्डर वायर से इसे अच्छे से साफ कर लेना है। ध्यान देना है कि कोई भी ट्रैक हमारा गंदा नहीं रहना चाहिए। आप इस चीज़ की चमक से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा क्लीनिंग किस प्रकार से होता है। अब हम इस पर फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स ज़्यादा मात्रा में ना दें, नहीं तो आपकी आईसी अपने स्थान से मूव हो जाएगा। और ये सब जितने भी स्टेप है बहुत ही आसान है। जब तक आप सीखते नहीं हैं आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट ऐसा बात नहीं है, बहुत ही आसान सा स्टेप है। इजी आप डायग्नोस कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, सब सारे आसान से स्टेप। ऐसे हमारा लग चुका है, हल्का सा मूव करके देख लेना है। और इसको ठंडा होने के बाद हमें VPH, देखिए हमारा VPH जो है 280 के करीब में आ गया है, ठीक है, यानी हमारा लाइन ओके हो चुका है।